ये देखो आप फिश, मैं कभी भी मटन फिश नहीं खाया। हेलो गाइस, आप सबको हैप्पी दिवाली। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं नैहाटी की ब्रह्मा पूजा देखने। मतलब मैं फेसबुक में बहुत बार देखा था कि बहुत बड़ा मूर्ति होता है काली माँ का, लेकिन मैंने किसी आंखों से नहीं देखा पहले। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं। आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली। अभी मैं घर से निकल गई हूँ, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं अभी। तो बहुत भीड़ होता है मैंने सुना है, तो इसलिए हम लोग दोपहर में ही जा रहे हैं। तो आपको भी मैं दिखाऊंगी, आप लोग चलिए मेरे साथ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बीच में से पार्ट करके ऐसे दो साइड में बाल ऐसे करके बांधा है। पता नहीं मैं कैसे लग रही हूँ। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर मैंने सोचा ठीक है मैं थोड़ा नया ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ से स्टार्ट है दर्शन के लिए। ये ब्याचा काली है। हर मूर्ति का अलग अलग नाम है, लेकिन भीड़ की वजह से मैं ठीक से वीडियो नहीं कर पाई। अभी हम लोग आ गए ब्रह्मा काली माँ के पास, जिसे देखने मन्नत मांगने बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये प्रसाद की लाइन है। इतना दूर दूर से आने के बाद माँ के प्रसाद बिना खाए कैसे जा सकते हैं हम लोग। घर आई हूँ, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आपके साथ कोई बात शेयर करना था, इसलिए मैं फिर से वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं शायद ठीक से वीडियो नहीं बना पाई। पता नहीं मैं कितना अपलोड कर पाऊँगी,
कैमरा ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी। कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब मैं कहना चाहती हूँ मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर। जो जब हम लोग प्रसाद के लाइन में थे उस टाइम, एक्चुअली मैं लाइन में भी नहीं थी, मैं लाइन के साइड में थी। तो साइड में ही एक जगह से भोग खरीदना पड़ता है जो करीबन 100 के ऊपर होता है, 100 समथिंग कुछ होगा। दो ही भोग ऐसे थे मतलब, तो वह पे एक लड़का था तो वो बोल रही थी कि अभी दो ही भोग है तो ऐसे किसी को दे दो मतलब। तो मैं साइड में ही थी, मेरे आगे जो तीन चार थे वो लोग ऐसे हाथ उठा रहे थे। तो मुझे पता नहीं क्या सोच के, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो लोग आ गए हैं, मतलब वो दोनों के सामने तीन चार ने हाथ उठाया था शायद। तो मैं थोड़ा पीछे थी एंड मैं लाइन पे भी नहीं थी, तो मैं ऐसे साइड से पता नहीं कैसे मेरा मन किया तो मैं ऐसे ही हाथ उठा लिया एंड मेरे सामने जो था उसको एक मिल गया और मुझे एक मिल गया है। तो भोग का प्रसाद तो हम लोग मतलब बहुत जगह पे खा लेते हैं ऐसा, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है मैं बताती हूँ। खिचड़ी या पुलाव ऐसे तो मैंने बहुत बार खाया है, लेकिन जो मटन और फिश जो होता है वो मैंने कभी नहीं खाया, कभी नहीं। तो वही मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ एंड मैं अभी इसको खोल कर दिखाऊंगी। आप में से बहुत लोगों ने खाया है शायद तक, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। सच बताऊँ तो एक बात है कि जो आपको पैसे देकर खरीदना पड़ता है, बहुत लोग ऐसे पैसे देकर ही खरीद कर लेकर गए हैं ये भोग, तो मुझे ऐसे ही मिल गया। मतलब मैं जिस टाइम वहाँ पे आकर खड़ी हुई हूँ उसी टाइम वो लड़का बोल रही थी वो गर्ल्स को कि मेरा खुश होने की इंटेंशन यही है कि कभी कभी हम पैसे लेकर बैठे रहते हैं लेकिन हमें प्रसाद या भोग का प्रसाद नहीं मिलता है, तो पर काली माँ की कृपा से मुझे ऐसे ही मिल गया है। मुझे नहीं मिलेगा, थोड़ा मिक्स्ड हो गया है सब कुछ क्योंकि मैं बैग में लाई हूँ ऐसे कैरी करके बैग के अंदर, तो ये बहुत ही हल्का है तो खोल गया था थोड़ा। तो इसमें मिस्टी पुलाव है और थोड़ा पायस भी था, मतलब खीर जिसको बोलते हैं हिंदी में, चावल का खीर। तो खीर भी था, इधर है और भी है तो गिर गया है। एंड ये देखो आप फिश, मैंने पूजा में कभी भी मटन फिश नहीं खाया है भोग का, फर्स्ट टाइम मेरे लिए है। आलू दम भी है इसमें। तो यही बात मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब घर आके नहीं बनाती लेकिन मुझे मतलब मैं बहुत एक्साइटेड और खुश हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये बात थोड़ा शेयर कर लूँ, इसीलिए मैं आपको बताने बैठी हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करना, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you.